हेलो एवरीवन, दिस इज मी साविया हियर और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी आपके पर्सन से कोई भी बातचीत हो पाएगी या नहीं। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो, क्विक रीडिंग होगी, ज़्यादा कार्ड्स पुल आउट नहीं करेंगे। क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी आपके पर्सन से कोई भी बातचीत हो पाएगी या नहीं, लेट्स सी। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में। इजंट इट गेटिंग टू डार्क, एक सेकेंड होल्ड ऑन। सो लेट्स सी क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी आपके पर्सन से कोई भी बातचीत हो पाएगी, हाँ या ना। कोई भी बात होगी आपकी आपके पर्सन के साथ, लेट्स सी नेक्स्ट 48 आवर्स में। 5 ऑफ पेंटिकल्स, चांसेस बहुत ना होने के बराबर हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मुझे नहीं लगता कि आपकी बात होगी, लेकिन सिचुएशन इतनी कुछ खास बुरी नहीं है जितनी आप उसको जहन में बनाओगे अपने माइंड में सोचकर। मुझे लगता है कि इट्स बेटर नॉट टू थिंक कि कब बात होगी कब बात होगी। जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा बुरा फील करोगे। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे लगता है कि आप पर्सन को मिस बात करने वाले हो, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन होते मैं देख नहीं रही हूँ। मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं दिल आपका करेगा कि आप उसको रीच आउट करो, आप उसको खुद अप्रोच करो, बट मुझे लगता है कि पेशेंस रखना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट 48 आवर्स में। बात तो होती मैं नहीं देख रही हूँ यहाँ पर। लेट्स सी कि पर्सन की थॉट या फीलिंग क्या रहेगी आपको लेकर नेक्स्ट 48 आवर्स में। क्या सोचता होगा आपका पर्सन, सोचेगा आपके बारे में नेक्स्ट 48 आवर्स में, क्या होगा उसका माइंड में आपके आपको लेकर, क्या चल रहा होगा उसके माइंड में आपको लेकर नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। हेरोफेंट, मुझे लगता है कि जो ब्लॉक्स हैं, चाहे जो भी ब्लॉक है आप दोनों के दरमियान में, मुझे लगता है कि पर्सन उन ब्लॉक्स के बारे में ज़्यादा सोच रहा होगा। एक और चीज़ मुझे लगता है कि आपका पर्सन किसी भी किसी लीगल मैटर या फिर ऑफिशियल मैटर को लेके काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट है, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा उसके पर्सन के माइंड में दिमाग में छाया होगा नेक्स्ट 48 आवर्स में, इसलिए शायद वो आपके बारे में ज़्यादा शायद सोचेगा नहीं। या फिर अगर सोच भी रहा है तो ब्लॉक्स के बारे में सोच रहा है, लीगल ब्लॉक्स हो सकते हैं, इमोशनल ब्लॉक्स हो सकते हैं उनके बारे में। प्यार पर्सन के दिल में आपको लेकर है, बट जो ब्लॉक्स हैं मुझे लगता है कि फिलहाल ज़्यादा डोमिनेंट हैं उसकी एनर्जीज के ऊपर। सो अनदर रेक टू हैव पेज ऑफ वॉन्स, मुझे लगता है कि पर्सन आपको आपको आपके बारे में सोचेगा, आपको मिस करेगा जैसे आप उसको मिस कर रहे हो, पर एट द सेम टाइम कोई एक्शन लेने के मूड में मुझे पर्सन जो है वो फिलहाल दिख नहीं रहा। पोटेंशियल उसको दिख रहा है इस रिलेशनशिप में, बट एट द सेम टाइम जो ब्लॉक्स हैं, फियर्स हैं, वो काफ़ी स्ट्रांग हैं राइट नाउ इस रिलेशनशिप के ऊपर, उसके माइंड के ऊपर खास करके। सो इसकी वजह से मुझे लग नहीं रहा कि नेक्स्ट 48 आवर में कोई कम्युनिकेशन हो रही है आप दोनों के दरमियान में। लेट्स टेक वन मोर कार्ड, देखते हैं कि और क्या आता है नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए इस रिलेशनशिप को लेकर, इस कम्युनिकेशन को लेकर, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर, जो कि कम्युनिकेशन चाहते हो आप और आपके पर्सन भी शायद, लेकिन लेट्स सी कि क्या करना सही है क्या करना गलत है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, तो आपको अपने ड्रीम, अपनी डिज़ायर, अपनी विश, अपने जो भी आपकी होप है इस रिलेशनशिप को लेकर, उसके ऊपर फेथ रखना सीखो। आपकी जो अपने आप को पॉजिटिव करना सीखो इस करंट सिचुएशन को रखते हुए जहन में। चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी, सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितनी शायद आप बना रहे हो अपने माइंड में उसको सब उस सबको सोचकर। तो मुझे लगता है कि थोड़ा अपने आप को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है आपको गिवन सर्कमस्टांसेस में। सो यार ये थी रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।